नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर में स्थापना के लिए जो मूर्ति लेकर आते हैं, तो ऐसी कौन सी मूर्ति है जो घर में नहीं रखने चाहिए जिससे घर की समृद्धि और आपका धन दोनों ही दूर हो जाते हैं। जानते हैं इस वीडियो के दौरान कि कौन सी मूर्ति आपके मंदिर में नहीं होनी चाहिए। भैरव की पूजा और आराधना तंत्र मंत्र के द्वारा ही की जाती है, इसलिए ऐसी मूर्ति यानी कि भैरव की मूर्ति आप घर में रखते हैं तो आपकी समृद्धि और धन दूर हो जाते हैं, क्योंकि तामिस देवता माने जाते हैं, क्योंकि वह तंत्र मंत्र की विद्या द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। नंबर दो, भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा। आपने देखा होगा भगवान शिव को क्रोधित होते हुए, और क्रोधित होते समय उनकी एक प्रतिमा है जो नटराज के रूप में है। वैसे तो नटराज भगवान को हम नृत्य के कक्ष में ही देखते हैं। जो लोग नृत्य प्रेमी होते हैं वह नटराज के रूप में भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन ऐसी मूर्ति आपको घर में या फिर मंदिर के स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव आएंगे और आपके घर से समृद्धि और धन दोनों ही दूर हो जाएंगे। ग्रह शांति के लिए या फिर अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए हम शनिदेव की पूजा तो जरूर करते हैं, लेकिन शनिदेव की पूजा करने के लिए अलावा हम लोग अपने घर में शनिदेव को नहीं ला सकते, क्योंकि पंडित द्वारा बताया जाता है या फिर शास्त्रों के अनुसार भी लिखा हुआ है कि आपको शनिदेव की पूजा करने के लिए उन्हें अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में बाधाएं और समस्याएं दोनों ही उपस्थित ही रहेंगी। नंबर चार, शनिदेव की पूजा करने के लिए हम राहु केतु की भी पूजा करते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है यदि आपके जीवन पे या आपको ग्रह दोष है तो इसलिए आप राहु केतु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ग्रहों की पूजा के लिए राहु और केतु की कभी भी फोटो या फिर तस्वीर आप अपने घर में ना लगाएं, क्योंकि राहु और केतु पाप के ग्रह माने जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप राहु केतु की तस्वीर या फिर प्रतिमा अपने घर में बिल्कुल ना लगाएं। नंबर पाँच, वास्तु के हिसाब से हम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए किसी न किसी प्रतिमा की जरूरत होती है, क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए हमें वह तस्वीर चाहिए जिसकी हम प्रार्थना कर सकें। इसलिए आप अपने मंदिर में सौम्य वाली मूर्तियां रखें, जैसे माँ सरस्वती हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई। ऐसी मूर्तियां रखने से आपके घर में सौभाग्य आता है, लेकिन कालरात्रि रूपी यानी कि माँ दुर्गा की प्रतिमा आप अपने घर में ना रखें, क्योंकि यह कालवश करने वाली माता होती है और ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य आता है। तो कोशिश करें यह प्रतिमा आप अपने घर में ना लगाएं। तो ये है वह मूर्तियां, यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, यानी कि अपने घर में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।